Assalamu alaikum everyone, welcome to Vocab Camp. Daily Vocab word is intimation. It was a request by Raju Kumar, and Raju, here's your lesson. Intimation is a noun and it means a hint, sign or indirect suggestion. जिसको आप उर्दू या हिंदी में कहते हैं ना, इशारा देना या किसी बात की इतला देना या ऐसा कोई आपको साइन मिले या हिंट मिले कि अच्छा ये कुछ होने वाला है या इस बात के पीछे ये बात है, ठीक है, तो उसके लिए ये इंटीमेशन जो वर्ड है यूज़ होता है. अच्छा, इंडिकेशन का भी यही मतलब होता है. मुझे अभी तक इसमें कोई डिफरेंस समझ में नहीं आया, लेकिन मैं रिसर्च करूँगी अगर कोई डिफरेंस है दोनों के अंदर, क्योंकि दोनों का मुझे सेम मीनिंग ही लग रहा है, इंटीमेशन और इंडिकेशन. क्या कोई चीज़ का हिंट या कोई साइन, कोई चीज़ अगर किसी दूसरी चीज़ का एक इतला दे रही है, एक इशारा दे रही है कि ये चीज़ ऐसे है शायद या इस तरह होने वाला है. जैसे एग्जांपल के तौर पे आप समझ लें, आप अपने किसी दोस्त से मिले और उसके चेहरे से आपको इस चीज़ का एक इशारा सा मिला या एक इतला से मिली, आप समझ लें, या आपको एक साइन सा नज़र आया, उसका चेहरा उतरा हुआ है, तो आपको ये लग रहा है कि शायद वो टेंशन में है, ठीक है. तो आप ये कह सकते हैं कि हिज फेस वॉज गिविंग अ क्लियर इंटीमेशन ऑफ हिज टेंशन, कि उसका जो फेस था वो एक बहुत ही वाजिया इस चीज़ की इंटीमेशन दे रहा था या इंडिकेशन. अब दोनों इस सेंटेंस में अगर मैं इंडिकेशन भी यूज़ करूँ तो सेम वही मीनिंग निकल रहा है. अगर इंटीमेशन वर्ड यूज़ करूँ तो भी यही मीनिंग निकल रहा है कि उसका जो चेहरा वो इस चीज़ का एक साइन दे रहा था या इस चीज़ का एक हिंट दे रहा था कि शायद वो किसी टेंशन में है, ठीक है. इसी तरह से अगर आपने ये कहना हो कि ये जो किताब का कवर है, जो बाहर का कवर होता है ना किसी भी बुक का, अगर आप किसी बुक को देखें और उसके कवर से देख के आपको लग जाए कि इसका कवर जो है ना वो एक मतलब साफ बता रहा है कि उसके अंदर का कंटेंट कैसा है, तो आप कहेंगे द कवर ऑफ दिस बुक इज़ गिविंग अ क्लियर इंटीमेशन ऑफ द कंटेंट ऑफ दिस बुक. इसका जो किताब का जो भी ये जो कवर है, जो भी बाहर का उसका होता है किसी भी बुक का, वो एक साफ उस चीज़ के बारे में एक साइन दे रहा है, ये हिंट दे रहा है या इनडायरेक्ट सजेशन दे रहा है, ये इतला दे रहा है या आपको इशारा दे रहा है कि उसके अंदर का कंटेंट जो है वो किस तरह का होगा या किस टॉपिक पे है, ठीक है. तो किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपने ये कहना है कि ये चीज़ फलां बात की या फलां चीज़ की या फलां होने वाले इवेंट का हिंट दे रही है, साइन दे रही है, इशारा दे रही है, इतला दे रही है, तो उसके लिए वर्ड इंटीमेशन आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. आई होप कि आपको मतलब समझ में आ गया. चलिए एग्जांपल्स देखते हैं. फर्स्ट सेंटेंस इज़ ही नेवर गिव एनी इंटीमेशन दैट ही वाज गोइंग टू रिजाइन. मतलब कि उसने कोई इस किस्म का कोई साइन या कोई हिंट नहीं दिया कि वो रिज़ाइन करने वाला है, ठीक है ना. ऑफिस में किसी ने रिज़ाइन कर दिया, अचानक से आपको पता लगा, लेकिन आपको लग रहा है कि इससे पहले कोई इस तरह का कोई किसी किस्म की कोई इंटीमेशन उसकी तरफ से नहीं मिल रही थी, कोई ऐसा साइन, कोई बात या कोई इस तरह की चीज़ नहीं थी कि जैसे आपको अंदाज़ा हो जाए कि अच्छा वो तो रिज़ाइन करने वाला ऑफिस है, ठीक है. आ सेकेंड एग्जाम्पल इज दिस साइलेंस इज़ नॉट द इंटीमेशन ऑफ येस, कि जो खामोशी है वो हाँ का इशारा नहीं होती है, ठीक है. हमारे यहाँ ये समझा जाता है ना खामोशी का मतलब हाँ, तो कहा जा रहा है कि नहीं भी, साइलेंस जो है, खामोशी जो है वो हाँ का इशारा नहीं होती है, समटाइम्स ना का इशारा भी होती है, लेकिन आप कह नहीं पा रहे होते तो इंसान खामोश रहता है. अच्छा जी हाँ, थर्ड एग्जांपल इज आई एम रिसीविंग अ क्लियर इंटीमेशन फ्रॉम माय बॉस अबाउट माय प्रमोशन, कि मुझे मेरे बॉस से इस चीज़ की मतलब कि क्लियर हिंट मिल रहा है, एक इशारा मिल रहा है कि शायद मेरी जो है प्रमोशन होने वाली है, ये मुझे प्रमोशन मिल जाएगी, ठीक है. ओके फ्रेंड्स, लेसन हैज कम टू द एंड. आई होप दिस लेसन वॉज यूजफुल. इफ यू लाइक दिस लेसन, कैन यू सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस वीडियो. आई विल सी यू नेक्स्ट लेसन. अल्लाह हाफिज़.